जब मैं एक बार फिर से पूरनपुर के मतदाता भाइयों और बहनों का आह्वान करने के लिए आया हूं, 5 साल पहले पूरनपुर की स्थिति क्या थी, पीलीभीत की स्थिति क्या थी और उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या थी, यह आप में से किसी से छुपा हुआ नहीं है। भाइयों बहनों, 5 साल पहले पूरे प्रदेश में अराजकता थी, गुंडागर्दी थी, सत्ता प्रायोजित दंगे थे और सत्ता के संरक्षण में फल फूल रहे अपराध और अराजकता के तांडव में प्रदेश के अंदर कोई भी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करता था। लेकिन 5 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो कार्य प्रदेश के अंदर किए, आज उसका परिणाम है। 5 साल में कोई दंगा प्रदेश में नहीं हुआ, आज प्रदेश में कर्फ्यू नहीं, आज व्यापारियों पर और महिलाओं पर कोई बमबाजी नहीं कर सकता। आज भाइयों बहनों, कर्फ्यू का स्थान कावड़ यात्रा ने ले लिया है और बमबाजी का स्थान हर हर बम बम का नारा लगाने वाले कावड़ यात्रियों ने ले लिया है। प्रदेश के अंदर 25 करोड़ नागरिकों को सुरक्षा की गारंटी है तो विकास के पथ पर बढ़ रहा हमारा पीलीभीत, जिसने कभी सोचा भी नहीं था, आज उस पीलीभीत में आपको एक नया मेडिकल कॉलेज मिल रहा है। मेडिकल कॉलेज निर्माण की आपका सपना, दशकों का सपना साकार हो रहा है। और यही नहीं, यहां पर तो हमारे विधायक बाबू राम जी ने जो जो मांग की, डिग्री कॉलेज की मांग की, डिग्री कॉलेज मिल गया, सड़कों की मांग की वो मिल गया, और अगर उन्होंने मांग की कि रामलीला मैदान में अवैध अतिक्रमण है, इसको हटाया जाना चाहिए, तो उस अतिक्रमण को भी हम लोगों ने हटा करके इतना शानदार रामलीला मैदान आपको दे दिया है। अब रामलीला ही नहीं, हर प्रकार के धार्मिक और सार्वजनिक कार्यक्रम, मांगलिक कार्यक्रम इस रामलीला मैदान में करेंगे। अगली बार इसकी सुंदरीकरण और भी अच्छे ढंग से आपको देखते हुए बनेगी, ये कहने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। पिछली सरकारों में भाइयों बहनों, अन्नदाता किसान आत्महत्या करता था, गरीब भूख से मरता था, जंगल राज की स्थिति थी, अपराधी सत्ता पर हावी होकर के थानों का संचालन हिस्ट्री शिकार करते थे। जो सर ने व्यक्त की है, और कहीं ना कहीं किसी ने कहा है कि मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, मुश्किल नहीं है कुछ। का वातावरण 2017 के पहले था। भाइयों बहनों, आप देख सकते हैं फर्क साफ है। 2017 के पहले जो सरकार थी, याद करिए, कल अहमदाबाद की एक न्यायालय ने अहमदाबाद के सीरियल ब्लास्ट में 38 आतंकवादियों को सजा दी, उसमें से फांसी की सजा भी दी गई, आजीवन कारावास की सजा भी दी गई। और भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश के भी उसमें से कुछ आतंकी थे और उनमें से एक आतंकवादी का परिवार तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ समाजवादी पार्टी को वोट मांगते हुए देखा है आपने, समाजवादी पार्टी का प्रचार कर रहा है। आप अनुमान कर सकते हैं, सपा नई हवा है, वही
सपा है, सपा का हाथ साथ, यानी सपा का हाथ आतंकवादियों के साथ, ये एक बार फिर से साबित हो गया है। आखिर 2012 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी, उस समय समाजवादी पार्टी ने पहला काम कोई किया था तो दर्जन भर से अधिक आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने का कार्य किया था, दर्जन भर से अधिक आतंकवादियों के मुकदमों को, यही आतंकवादी कोई अयोध्या में राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला किया था, कोई संकट मोचन मंदिर पर आतंकी हमला किया था, कोई सीआरपीएफ कैंप पर आतंकी हमला किया था, किसी ने बिजनौर में, किसी ने गोरखपुर में, किसी ने लखनऊ में, किसी ने कानपुर में, किसी ने वाराणसी में आतंकी घटनाओं को अंजाम देने की कुत्सित चेष्टा की थी, और उन आतंकवादियों की पैरवी तब कोई करता था तो समाजवादी पार्टी करती थी। भाइयों बहनों, कल के न्यायालय के फैसले से एक बार फिर साबित हो गया है कि समाजवादी पार्टी का हाथ आतंकवादियों के साथ, एक तरफ आतंकवाद समर्थक समाजवादी पार्टी है और दूसरी तरफ गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के प्रत्येक तबके के हितों के लिए कार्य करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार। याद करिए, जब 2017 में हमारी सरकार बनी, हमने पहला काम किया था अन्नदाता किसानों के कर्ज माफी का। अन्नदाता किसानों का, प्रदेश के अंदर 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ हुआ था। और भाइयों बहनों, पीलीभीत के 53,400 से भी किसानों का कर्ज माफ हुआ था, 53,400 से भी किसानों का। और आज हमारे पीलीभीत के 3,05,000 से भी किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का सालाना 6,000 रुपए हर किसान के खाते में आ रहे हैं। गन्ना किसानों का 1,60,000 करोड़ रुपए गन्ना मूल्य का भुगतान किया जा चुका है, और क्रय केंद्र के माध्यम से लागत का 1.5 गुना दाम कोई दे रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार दे रही है। भाइयों बहनों, आप इस बात को जानते हैं, समाजवादी पार्टी की सरकार ने दिव्यांगजनों के, विधवा महिलाओं के और वृद्धजनों के पेंशन को रोक दिया था। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के अंदर 1 करोड़ दिव्यांगजन, विधवा महिला और वृद्धजनों को 12,000 रुपए सालाना पेंशन देने का कार्य कर रही है। और यही नहीं भाइयों बहनों, गरीब कल्याण की बात आती है तो 43 लाख से भी गरीबों को हमने एक एक आवास उपलब्ध करवाया। सपार की सरकार में 18,000 गरीबों को भी मकान नहीं मिल पाए थे। आज जब मैं आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए, कोरोना प्रबंधन आपके सामने, फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन, कितने लोगों ने वैक्सीन ले ली है यहाँ पे? अभिनंदन आपका, पूरनपुर वासियों का, पीलीभीत वासियों का अभिनंदन जिन्होंने वैक्सीन लिया। ये वैक्सीन कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई का प्रतीक है। कोरोना हारेगा, भारत जीतेगा। और भाइयों बहनों, थर्ड वेव कब आई, कब चली गई, कोई पता नहीं। हमारा उत्तर प्रदेश सुरक्षित है, लेकिन जो लोग कोरोना के समय गुमराह करते थे कि मोदी वैक्सीन है, बीजेपी वैक्सीन है, आज उनको मुंह तोड़ जवाब दीजिए, अगर ये वैक्सीन हमारी जान बचाती है तो इसी वैक्सीन के पक्ष में भारतीय जनता पार्टी का ही हम समर्थन करेंगे। भाइयों बहनों, फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन, और डबल इंजन की सरकार है तो मोदी जी के नेतृत्व में डबल डोज राशन की भी हर महीने गरीबों को मिलना होगा ना? पहले भी मिलता था क्या? पहले बिजली आती थी क्या?
सपा की सरकार भी तो मेडिकल कॉलेज बना सकती थी, नहीं बनाया। और भाइयों बहनों, ये लोग राम भक्तों पर गोली चलाते थे और हमने तो कहा था रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, मंदिर का निर्माण भी हो रहा है ना। सरकार कर रही है और ये काम इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि आपने यहां पर चारों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का विधायक चुनकर